आज की इस दुनिया में दोस्तों हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, एकदम आप टूटे दिखना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगना चाहता है। बट अगर हम बात करें डेली लाइफ की तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सब के सब हमेशा मेकअप ला के नहीं रह सकते हैं। कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमें भी नेचुरल ब्यूटी जो होती है उसे शो करना ही पड़ता है, चाहे हम घर में हों या बाहर हों। कई बार स्किन सेंसिटिव हो जाती है या कभी कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हम मेकअप नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पर जो हमारी नेचुरल ब्यूटी होती है वही दिखती है। तो उस टाइम के लिए अगर आपका स्किन केयर अच्छा है और आपका हेयर केयर अच्छा है तो आप नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छे लग सकते हो, और उस ब्यूटी को आप इन्हेंस करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हो। लाइक लिप्स के लिए आप लिप बम यूज़ करते हो, लेकिन आँखों के लिए क्या? आँखों पर हम काजल लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं, आई शेडो लगाते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल जाते हैं। सिर्फ डार्क सर्कल्स के लिए कुछ लगा के छोड़ देते हैं ताकि हमारे डार्क सर्कल हैं जो ना पड़े। बट अगर हम बात करें आई लैशेज की तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोग यूज़ करते हैं कैस्टर ऑयल लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होता है। हम लोग डी आई वाईज में भी काफ़ी सारे जो ऑयल्स होते हैं उन्हें मिक्स करके बनाते हैं एक सीरम, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो हमें काफ़ी कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट हमें उसके लिए पूरी सीसी खरीदनी पड़ती है जो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ StBotanica के आई लैशेस सीरम के बारे में। तो ये सीरम जो है आपकी आई लैशेस को ग्रो करता है, और यकीन मानिए मैं इसे एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे ड्रास्टिक चेंज देखा तो मैंने कहा क्यों ना क्यों मैं आपको बताऊँ कि इसका रिजल्ट कैसा हो या आपके लिए कैसे वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है दोस्तों StBotanica का आई लैश सीरम जो कि है 30 ml में। हम इसे कॉस्ट की बात करें तो वो है 899 rupees, जो कि आपको कभी भी इतने का नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है, चाहे आप नायका से खरीदें, अमेजन से खरीदें या फ्लिपकार्ट से खरीदें, ये आपको लगभग 650 से 800 के बीच में पड़ता है। इसमें हमेशा डिस्काउंट रहता ही रहता है। तो ये 30 ml का जो सीरम है आपको मिलता है 899 rupees का। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 36 महीने, यानी ये बनता है उसके 36 महीने बाद ये ख़राब हो जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें इसे ओपनिंग की, तो अगर आप इसे खोल देते हैं तो उसके 12 महीने बाद जो ये है ख़राब हो जाता है। यहाँ पे जो है इसकी थोड़ी अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो है 100% प्रीमियम क्वालिटी से बना हुआ है। इसे स्टोर करने के लिए आपको सनलाइट से अवॉइड करनी होगी और ड्राई प्लेसेस पे इसे रखना होगा। वहीं पे हम इसकी बात करें तो इसके अंदर किसी भी तरीके की फ्रेगनेंस नहीं यूज़ करी गई है, कोई भी मिनरल ऑयल यूज़ नहीं किया है, SLS से फ्री है ये, और ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। यहाँ पे जो है इसके थोड़ी इंग्रीडियंट की लिस्ट दे रखी है, उसे यूज़ करने का तरीका दे रखा है। तो इंग्रीडियंट्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन कुछ मेन जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो है इसके अंदर प्रेजेंट है आपका कैस्टर ऑयल जो कि कोल्ड प्रेस ऑयल है, आमंड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और साथ में से प्रेजेंट है आपका कोकोनट ऑयल। एंड ये जो है इसके मेन ऑयल्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट, जिनका ब्लेंड बना के ये सीरम बनाया गया है। और ये जो है काफ़ी अच्छे ऑयल है, हर किसी की अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। लाइक इसमें इसके बेनिफिट्स जो है वो भी दे रखे हैं। कैस्टर ऑयल जो होता है वो आपकी आई लैशेज जो होती हैं उन्हें नरिश्ड करता है, ग्लोइंग और थिकर बनाता है। वहीं पर अगर हम आलमंड ऑयल की बात करें तो वो जो है आपकी आई लैशेज को साइन प्रोवाइड करता है। वहीं पर जो आपकी बात करते हैं कोकोनट ऑयल की, तो ये जो है आपके हर सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और आई लैशेज को जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इस पूरे सीरम की, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में, तो ये जो है आई लैशेस सीरम है जो कि आपकी फेशियल ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो आई लैशेस आपकी होती हैं वो जो थिन हो जाती हैं या फिर किसी वजह से ख़राब होने लगती हैं, तो उनको ये इन्हेंस करता है और आपकी आई लैशेस जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाती हैं और ये जो है थिक भी हो जाती हैं। StBotanica का आई लैशेस सीरम जो है ये इन्हेंस करता है आपकी आई लैशेस को और हेल्प करता है उन्हें हेल्दी और फुलर लुक देने में, उन्हें लंबा भी करता है साथ ही साथ, इसकी ग्रोथ को जो है ये प्रमोट करता है, और साथ ही साथ ये जो है नेचुरली सेफ़ है आपके लिए। तो इसके अंदर किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं किया है, इसलिए आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। इसे यूज़ करने का तरीका है आपको जो है अपनी आई लैशेस के ऊपर लगाना है, ब्रश आते हैं अलग से, या फिर मस्कारा आप यूज़ करते हो उसका वो ख़त्म हो गया हो तो उसे साफ़ करके आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से भी इसे लगा सकते हैं। आपको इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए आउटर कॉर्नर की तरफ ले जाना है और इसे सिर्फ एक बार यूज़ करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे रात को सोने से पहले यूज़ करिए ताकि ये काफ़ी अच्छे से रिजल्ट जो है वो आपको दिखा सके। ये जो है एनिमल टेस्टेड नहीं है, इसके अंदर किसी भी तरीके का मिनरल ऑयल यूज़ नहीं किया है, वेगन प्रोडक्ट है और बायोडिग्रेडेबल है। तो ये जो थी इसकी आउटर पैकेजिंग की इन्फॉर्मेशन थी। अब बात कर रहे थे इसकी इनर पैकेजिंग की हम लोग, तो दोस्तों इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। गोल्डन कलर की बहुत ही प्यारी ग्लास की बोतल है, ग्लास की बोतल है तो इसमें आप ट्रैवल करने के टाइम पे थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है क्योंकि इसके टूटने का डर बना रहता है।
अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस बॉटल लग रही है। ग्लास की बॉटल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रीडियंट्स का प्रेजेंट है वो आपस में रिएक्ट ना कर पाए, और प्लास्टिक की बॉटल हो या फिर मेटल की बॉटल होती है तो वो रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए ग्लास की बॉटल जो है इस तरीके की प्रेफर करी जाती है। तो ये ग्लास की एक बॉटल है जिसके ऊपर सेम थिंग लिखी है जिसकी आउटर पैकेजिंग पर लिखी है कि StBotanica आईलैश सीरम जो कि 30 ml का है। इसकी कॉस्ट दे रखी है 899 एंड सेम थिंग यहाँ पर दे रखी है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रीडियंट्स प्रेजेंट है, इसे यूज़ करने का तरीका जो मैं आपको बता चुकी हूँ। रात में सोने से पहले एक आपको इसे यूज़ करना है। आप इसके लिए स्पूली यूज़ कर सकते हैं, आप इसके लिए ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो अपनी फिंगर टिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसे यूज़ करने के बाद आपको इसे स्टोर करना है ड्राई प्लेस पे। तो ये जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आपको मिलता है ये ड्रॉपर जिससे आप इसकी जो ड्रॉप्स हैं वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर मिलता है कुछ इस तरीके का एकदम क्लियर सीरम। तो ये जो सीरम है कुछ इस तरीके का है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और ये जो है बहुत लॉन्ग टर्म में आप यूज़ कर सकते हो, इसे रख के यूज़ कर सकते हो। आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है। अगर आपको यूज़ नहीं करना चाहते ब्रश का तो आप इसे इस तरीके से फिंगर टिप्स पे ले सकते हो, अपनी फिंगर्स के बीच में से हल्के से मसाज कीजिए एंड देन अपनी आईलैश जो है उनके ऊपर रफ कर दीजिए। तो बस इतना ही आपको करना होता है। फिलहाल मैं मस्का लगा इसलिए मैं यूज़ करके नहीं दिखा सकती हूँ। कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट कंसिस्टेंसी है, देखिए कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है आपकी स्किन के अंदर। हल्के से मसाज करते हैं तो ये आपकी आईलैशेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, आपकी जो स्टिमुलेट करता है सेल्स को, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे आपकी आईलैशेस के पास लाता है जिससे आपकी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। और इसके अंदर प्रेजेंट इतने अच्छे अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं जो कि आपके आईलैशेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो थी इसकी इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करती हूँ अपनी। तो मैंने इसे यूज़ किया है 1 वीक तक, और उसके बाद मैंने रिजल्ट नोटिस किया है कि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है। इसे आप जब यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली तो 1 महीने के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट जो होते हैं वो दिख जाते हैं, क्योंकि हमारी आईलैशेस की जो ग्रोथ होती है बहुत हल्की होती है, इस वजह से आपको इतनी जल्दी नोटिस जो है आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा जना देखता है तो वो उसे नोटिस कर लेता है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी आईलैशेस को अपने आप ही लिफ्ट करती है, तो आपको कर्ल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी आईलैशेस जो होती है वो अपने आप ही ऊपर की तरफ लिफ्ट होती हैं और ये ग्रो करती है, तो वैसे ये आपको काफ़ी अच्छा फुलर लुक देती है और मस्कारा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है 1 वीक के बाद ये रिजल्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको जल्दी ही बताऊंगी कि 1 मंथ के बाद क्या रिजल्ट इसके आते हैं। फिलहाल जो मैंने इसको यूज़ किया उसके बाद के रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप इसके जो आप रिव्यूज़ का पढ़ना चाहते हो तो आप नायका पर जाकर पढ़ सकते हो, वहाँ पर लगभग 3000 से ऊपर इसके रिव्यूज़ हैं जो कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं। जब ज़्यादातर सभी ने वहाँ पर 5 स्टार दिया है इसे, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीरम है। अगर आप चाहते हो अपने आईलैशेस को ग्रो करना, नेचुरली ब्यूटीफुल लगना, तो आप विदाउट किसी सेकेंड थॉट इसे खरीद सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट आपको थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, बट अगर हम इसकी क्वान्टिटी की बात करें तो इसकी क्वान्टिटी भी उतनी ज़्यादा है कि आप इसे यूज़ करते हो तो आप अकेले से 12 महीने में फिनिश नहीं कर पाओगे आई थिंक, क्योंकि ज़्यादातर हम कई बार ऐसा होता है कि हम मिस कर जाते हैं, कहीं जा रहे हैं तो हम इसे कहीं नहीं करेंगे। तो हम अगर यूज़ करते हैं तो इसे 7 से 8 महीने ही यूज़ कर पाएंगे साल में, और इसकी क्वांटिटी इतनी कम लगती है कि आप इसे जो यूज़ करोगे तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, प्लीज़ आप इसे जाइए और खरीदिए। आप इसे कई जगहों से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर नायका, कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं। StBotanica का सीरम जो है काफ़ी अच्छा है, और मेरे लिए इसे 10 में से 9 नंबर में से देना चाहूँगी, क्योंकि किसी किसी के लिए ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, और अगेन इसकी ग्लास की जो बोतल है वो टूटने का रिस्क बना रहता है, इसलिए मैं इसे 1 नंबर कट करना चाहूँगी। ग्लास की बोतल है लेकिन वो जो है इसका पर्पस है एक बेसिकली, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नंबर इसके नहीं हटाऊँगी। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करने से सारी नोटिफिकेशन जो है आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे।